मोदी जी कह रहे हैं भैया मैं 22 साल की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि कहने को कुछ है नहीं और भविष्य की बात मैं कर ही नहीं सकता हूं क्योंकि अगर मैं करूंगा तो गुजरात उसको मानेगा नहीं। मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि गुजरात की पुलिस ने पटेल समाज के घरों में जाके उनकी महिलाओं को मारा। मोदी जी ये नहीं कहते हैं कि उनके युवाओं को गोली मारी थी। जब दलितों पे अत्याचार हुआ मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा उसके बारे में अपने भाषण में। मोदी जी नहीं कहते हैं, मोदी जी आज सिर्फ मोदी जी की बात करते हैं। हम आए हैं यहाँ पर के हम भटक भटक के थक गए, घर घर जाके थक गए। 76,000 रुपया हमको दंड किया है। अच्छा, आपके उसके हाँ उसके वजह से मैं सब जगह के भटक भटक के थक गया हूँ और मेरा फैसला कर दे इसके वजह से मैं आपके पास आया हूँ। अभी हम ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी को आजमा लिया, अब हम राहुल जी को आजमाना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि मोदी जी ने महंगाई बहुत बढ़ा दी है और जीएसटी ये सब इसमें बहुत परेशानी हो रही है और ऐसे तो पैसे वाले लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं उनको ऐसे एक दूसरे पे ये जो आरोप लगाते हैं वो नहीं लगाने चाहिए और सबको मिलजुल कर ये चुनाव लड़ना चाहिए। हम सब अपनी अपनी सबकी वो पर्सनालिटी है, अपनी अपनी पहचान है। ये लोग कहते हैं हमें सबका विकास किया है तो विकास तो रिवर फ्रंट में हुआ है, अहमदाबाद में हुआ है। अच्छा। तो गांव में आके देखो तो हम कैसा विकास हुआ है। 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में 0 सीट और 33% वोट लाकर कांग्रेस पार्टी ने अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया था। यानी मौजूदा चुनाव में अगर कांग्रेस हारती है तो उसके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन अगर जीते तो सारा जहान है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने अपना फोकस पूरी तरह साफ कर लिया है। मणिशंकर अय्यर विवाद, राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, इन तमाम मुद्दों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल के हमले लगातार जारी हैं। गुजरात चुनाव की स्पेशल कवरेज के साथ गांधीनगर से मैं नीरज गुप्ता क्विंट के लिए।